हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवल लाइट्स, अनदर डे अनदर वीडियो। एंड आज का वीडियो स्पेसिफिक है कि दुबई में हाउ आई एंडेड अप गेटिंग माय ड्रीम जॉब हेयर। सो जैसे मैंने अपना फर्स्ट वीडियो डाला था जो कि अकोमोडेशन से रिलेटेड था, सो आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि मतलब आपको जॉब मिला कैसे और आपने किस तरह ट्राई किया, यहाँ आके ट्राई किया या इंडिया से ट्राई किया था। तो आई एम गोना कवर ऑल दीज पॉइंट्स जो कि मुझसे पूछे गए थे जॉब से रिलेटेड, और ये वीडियो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव और डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी हियर इन दुबई, फॉर श्योर दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो बात करते हैं कि मुझे दुबई में जॉब कैसे मिली। मैंने पहले ही लिस्ट बना लिया सारे क्वेश्चंस कवर करने की, ताकि मैं बोलते बोलते कुछ मिस ना कर जाऊँ। एंड आई एम लाइक ट्राइंग टू बी वेरी कॉशियस कि कुछ भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो। तो हाउ आई गॉट अ जॉब हेयर वॉज लाइक, मुझे जॉब इंडिया से मिली। मैंने दुबई आकर विजिट वीज़ा लेकर ट्राई नहीं किया, और मेरे को इंडिया में रह के मैंने वहीं पर अप्लाई किया था। एंड फाइनली विद ऑफर लेटर आई केम हेयर, एंड देन वेरी नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड ऑफ विद माई जॉब। तो फॉर मी दिस प्रोसेस इज डिफरेंट, एंड आई विल टेल यू हाउ इट हैपन फॉर मी। सो इफ़ यू आर समवन लुकिंग फॉर द सेम, गो अहेड, वॉच टिल एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से वो प्लेटफॉर्म से जिसपे मैंने ढूंढना शुरू किया, एंड व्हेन डू आई फाइनली रियलाइज। सो लेटली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 आई थॉट ऑफ लाइक आई हैव टू ट्राई समथिंग आउट डिफरेंट, और मुझे ऑन साइट एक्सपोजर चाहिए, मेरे को इंडिया से बाहर निकलना है। एंड दिस वॉज समथिंग आई वॉज वेरी डेस्परेट फॉर। तो मैंने लिंक्डइन पे एन नंबर ऑफ लोगों को रिक्वेस्ट भेजी और उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की। साथ में मैंने नौकरी गल्फ ऐप इंस्टॉल करी अपने फ़ोन पे, और मैं उस पे भी जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती थी उन पे अप्लाई करती जाती थी, अप्लाई कर जाती। यू वोंट बिलीव कि मोर देन 50 to 80 के बीच में मैं कुछ भी रैंडमली कभी अप्लाई करती थी, कभी कनेक्ट करती थी। और मतलब आई यूज़ टू कनेक्ट विद पीपल, बट ऑल इन वेन, टू बी ऑनेस्ट जनाब, सब कुछ वेन पता, बिकॉज यू डोंट लैंड अप इनटू अ राइट अपॉर्चुनिटी। आपको कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल करते रहना पड़ेगा। इफ़ यू आर जस्ट थिंकिंग मैंने अप्लाई कर दिया द कॉल विल कम, नो इट वॉन्ट हैपन। तो मैंने डेली, मतलब मैं पीछे ही पड़ गई थी कि मैं हर दिन अप्लाई करती थी। सो हाउ इट एंडेड अप, मतलब नौकरी गल्फ वॉज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म वेयर आई अप्लाइड, बट वहाँ पे कुछ वैसा वीज़ा डालना पड़ता था, तो मैंने वो डिटेल्स अपडेट नहीं करी थी अपने फ़ोन पे, बट फिर भी अप्लाई करती थी। तो नथिंग ग्रेट, कोई ऐसा खास रिस्पॉन्स वहाँ से नहीं मिला। सेकेंड वर्ड कि यहाँ की जो भी अच्छी कंपनीज है, IT कंपनीज है, मैंने उनका करियर पेज पर जाकर अप्लाई किया। मतलब कहते हैं दिस इज़ अ गुड मूव, एंड आई डोंट नो कि जिनके लिए वर्क किया हो, बट मेरे लिए नहीं कर पाया फॉर एनी ऑफ द रीजन। सो अगेन दैट वॉज अ बिग क्रॉस फॉर मी, बट लास्टली द सेवियर केम इन LinkedIn। पीपल डू अंडर एस्टिमेट LinkedIn, बट LinkedIn हैज़ अ पावर ऑफ लाइक मिलियंस ऑफ पीपल। तो ऐसा कोई रेफरेंस या वो नहीं था, LinkedIn पे पोस्टिंग आई थी जॉब की, मैंने अप्लाई किया। एंड गेस वॉट, सडनली मेरे बर्थडे मंथ के आसपास आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द कंपनी, एंड दे सेड लाइक ओके वी लाइक योर प्रोफाइल एंड वी वुड लाइक टू इंटरव्यू यू फॉर द सेम। सो आई वाज लाइक मोर देन हैप्पी। मेरे पास यूए नंबर से कॉल आ रहा था, मेरा दिमाग खराब हो गया, एकदम दौड़ते हुए गई अपने हस्बैंड के पास, एंड आई टोल्ड हिम कि ऐसा 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 हुआ है। सो इज लाइक ओके दानिया, गो अहेड विद द प्रोसेस। नेक्स्ट सेक्शन इज कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था और क्या मतलब यहाँ का सिनारियो रहा। सो इट वॉज लाइक, इट वॉज अ 4-step प्रोसेस। पहले मेरे पास कॉल आई एंड दे आस्क्ड मी अबाउट माई डिटेल्स एवरीथिंग। फिर उन्होंने बोला फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हो, तो उन्होंने मुझे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस भेजे जिसको मुझे सॉल्व करना था। दे वर मोर इनटू एनालिटिकल, बिकॉज दोज हु नो दे नो आई एम इनटू द रोल ऑफ डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, उस डोमेन में मैं मेजरली काम करती हूँ। सो मेरे को एक टेस्ट केस स्टडी थी, वो पूरा सॉल्व करना था, मैंने भेजा। एंड वन दिन अ वीक आई गॉट अ रिप्लाई कि वुड लाइक टू हैव अ टेक्निकल राउंड डिस्कशन विद यू। सो टेक्निकल राउंड 1 हुआ जिसको मैंने क्लियर किया। फिर आई वॉज वेटिंग विद द रिजल्ट, रिजल्ट और ये सब बड़ा ही फटाफट हो रहा था मेरे साथ। देन देर वॉज अ टेक्निकल राउंड 2 विच वॉज स्पेसिफिक टू द मैनेजर आई विल बी रिपोर्टिंग टू हेयर, उनके साथ भी हुआ है। दैट वॉज अ गुड इंटरव्यू। आई थॉट लाइक 3 इंटरव्यूज हो चुके, अब खत्म हो गया, बट लास्टली दैट केम अप विद एन HR इंटरव्यू। HR वॉज मोर अबाउट मी, माई पर्सनल स्पेस एंड लाइक हाउ आई गेट टू डू थिंग्स एट वर्क। तो वो सारी चीज़ें थी। एंड लास्टली जब HR खत्म हुआ, देन माई HR वॉज कॉर्डिनेटिंग फाइनली टोल्ड मी ऑन फोन लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन तानिया, यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। एंड आई वॉज ऑन क्लाउड्स एंड आई वॉज वे टू हैप्पी। तो ये सारी चीज़ें हैं।
फिर आया ऑफर लेटर, जो भी ऑफर लेटर रोल आउट हुआ मेरे को, एंड फाइनली आई गॉट कि मतलब आई हैव टू जॉइन कंपनी ऑन द डेट 16th of January. सो दिस वॉज प्रिटी मच अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस, ऐसा हुआ. अब हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करने वाले हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं. मतलब आप इंडिया में बैठे हो, आपके पास ऑफर लेटर आ गया है, एंड देन देयर आर कपल ऑफ थिंग्स. सो स्टेटली फाइनली अब ऑफर लेटर आ चुका था, सब कुछ था, एंड आई वॉज वेरी नर्वस कि मतलब ऑल टुगेदर मुझे डिफरेंट कंट्री में मूव करना था, ना कि सिटी था. मेरे को कोई आइडिया नहीं था, ना ही मेरा बैंक अकाउंट, एवरीथिंग. लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कि एक नया बच्चा जिसको कुछ पता ही नहीं है बाहर निकल रहे हैं, एंड दैट टू ऑल अलोन आई हैड टू मूव आउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इट वॉज क्या कहूँगी, मतलब सब कुछ था, मिक्स था. It was sad, it was exciting, seeing new people, new country, new faces, everything. So, सब कुछ बहुत अलग था. But, so, उसके बाद, what next steps I started doing was, so, with my offer letter, what company helped me in was, they gave me one side flight ticket to reach here to Dubai. I told them, okay, I'll be traveling, I'll be able to travel on this date. मतलब 16 को अगर मैं join करी थी, तो 15 की उन्होंने मुझे tickets करा के भेज दी थी mail पे. कि दैट वॉज माई टिकट. दे प्रोवाइडेड मी दिस ब्यूटिफुल अकोमोडेशन फॉर द 14 डेज ऑफ माई ट्रैवल टू लाइक फॉर माई स्टे इन दुबई, ताकि मैं आराम से अपने लिए एक दूसरा ऑल्टरनेटिव सर्च कर पाऊँ. सो दिस वॉज वेरी काइंड एंड जेन्युइन ऑफ देम, एंड दिस ऑल्सो कम्स अंडर लाइक रीएलोकेशन. सो इंडिया में भी आपको रीएलोकेशन मिलती है इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर या बैंगलोर. लाइक फॉर डिलॉयट गेव मी रीएलोकेशन व्हेन आई मूव फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली. तो ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी था, इन्होंने मुझे 14 डेज का स्टे प्रोवाइड करा हुआ है. एंड लास्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि आई डोंट थिंक कि अगर आप एक टेक्निकल, जब तक आप घुसोगे नहीं इस चीज़ में, आपको पता हो, विच इज़ योर डिग्री अटेस्टेशन. सो जो भी आपकी डिग्री सर्टिफिकेट्स होते हैं, दैट नीड्स टू गेट अटेस्टेड. आई गॉट इट डन इन इंडिया, एंड यहाँ पर भी आकर मुझे अटेस्टेशन कराना पड़ा है. नाउ दिस विल लीड इन टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट सेगमेंट ऑफ लाइन, जहाँ पर डिग्री अटेस्टेशन की, वीज़ा की, और यहाँ के जो भी आईडी कार्ड्स हैं, इन सब की बात होने वाली है. सो आई कीप इट क्रिस्प हेयर, और फिर इसको डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग प्रोसेस में हूँ, जहाँ पे मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं. सो आई एम नोटिंग इट डाउन. बट इंडिया से मैं बता देती हूँ, जो मैं करके आई थी, अपनी डिग्री को मैं अटेस्ट करा के आई थी, एंड उस डिग्री को अटेस्ट कराने की कॉस्ट नियर अबाउट 5500 to 6000 है. आप किसी एजेंट के थ्रू करा सकते हो दिल्ली एनसीआर में. फॉर मी, वन ऑफ माई फ्रेंड हेल्प मी टू गेट माई डिग्री अटेस्टेड. उसने मतलब मेरे को कॉन्टैक्ट शेयर करके मेरा करा दिया था. सो दैट वॉज अ सेफ ईयर. बट यहाँ पे आने के बाद यू हैव टू गेट योर डिग्री मोफा अटेस्टेशन. सो दैट इज गोइंग ऑन. जस्ट टूडे द कोरियर पर्सन केम एंड पिक्ड माई डिग्री फ्रॉम हेयर. सो अब इसके आगे जो भी प्रोसेस होने वाला है, तो अभी मैं यहाँ पे विजिट वीजा पे हूँ, अभी मेरा वीजा चेंज होने वाला है, ये सारी फॉर्मेलिटीज होंगी. और कैसे क्या होता है, अब जैसे जैसे मुझे पता चलेगा, गाइज यू विल डेफिनेटली नो. एंड हाउ इज दुबई ट्रीटिंग मी, ऑल द एक्सपीरियंसेस यू गोना टू नो. बट फॉर till date today, it's been like now 6 days in Dubai, and I'm in awe with this place. This is so happening. The only thing I'm missing here is my husband. If he would have been here, like I would have enjoyed to the fullest. But this is something which I have actually looked for. So yeah, I'm so grateful for this. And guys, if this video was helpful, and अगर आपको कोई और questions हैं जो आप चाहते हैं कि मैं answer करूँ, तो please comment section में मुझे बताना. And the last minute ritual, please do not forget to like, share and subscribe to our channel. You guys have been really loving us so far. And please हमें help करो आगे बढ़ने में, ताकि हम और सारी चीज़ें explore करें और आप तक ला सकें. Thank you, धन्यवाद.